मुझे जाना है, मुझे तुमसे मिलना है, उसे यहाँ आना है, कल हमें कहीं जाना था। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है ना है, नी है या फिर ने है, ना था, नी थी या फिर ने थे, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इज़ टू, एम टू, आर टू या फिर वॉज टू, वर टू। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज़ टू, एम टू या फिर आर टू का यूज़ किया जाएगा, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज टू या फिर वर टू का यूज़ किया जाएगा। चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू, आर टू या फिर वॉज टू, वर टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई एम टू गो। मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू। उसे यहाँ आना है, ही इज़ टू कम हियर, ही इज़ टू कम हियर। हमें टीवी देखना है, वी आर टू वॉच टीवी, वी आर टू वॉच टीवी। उसे कुछ कहना था, ही वॉज टू से समथिंग, ही वॉज टू से समथिंग। उन्हें मुझसे बात करनी थी इसीलिए वो आए थे, दे वर टू टॉक टू मी, दैट्स वाई दे हैड कम, दे वर टू टॉक टू मी, दैट्स वाई दे हैड कम। इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए हैज़ टू, हैव टू या फिर हैड टू का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन इनका यूज़ तब किया जाता है जब वो काम हमें मजबूरी में करना पड़े, जैसे कि मुझे ऑफिस वर्क करना है या फिर मुझे ऑफिस वर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू ऑफिस वर्क। मुझे वहाँ जाना था या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। उसे खाना बनाना है या फिर उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक द फूड। वैसे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चेक करने नहीं बैठ रहा कि वो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं या फिर अपने मन से कर रहे हैं। वो अचानक से आ गया, वो अचानक से मुझे देखने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक से आ जाओगे, ट्रेन अचानक से रुक गई। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है अचानक से, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए अनएक्सपेक्टेडली का यूज़ किया जाता है। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से। इसको यूज़ करने के दो रूल होते हैं, या तो आप इसको अपना सेंटेंस बोलने के बाद लास्ट में बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अपने सेंटेंस में ही वर्ब से पहले बोल सकते हैं। वो अचानक से आ गया, He came unexpectedly, या फिर He unexpectedly came। वो अचानक से मुझे देखने लगी, She started looking at me unexpectedly, या फिर She unexpectedly started looking at me। मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक से आ जाओगे, I didn't know that you would come unexpectedly, I didn't know that you would come unexpectedly। अचानक से कुछ भी हो सकता है, Anything can happen unexpectedly, anything can happen unexpectedly। हम अचानक से मिले थे, We met unexpectedly, we met unexpectedly। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि हद हो गई इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस बहुत ही आसान है, हद हो गई या फिर हद हो गई है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच। हद हो गई, अब चुप हो जाओ, दिस इज़ टू मच, स्टॉप नाउ। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, टिल देन टेक केयर।